पानीपत के नांगल खेड़ी में एटीएम को लूटकर हुई वारदात में का बड़ा खुलासा हुआ है। 5 आरोपी जो है इसमें पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि डीएसपी क्राइम जो है अब इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि क्रेटा गाड़ी जो है वो बरामद हुई है, गैस कटर जो है वो बरामद हुआ है। इसमें 5 आरोपी को जो गिरफ्तार किया गया है, 2 इसमें सगे भाई हैं और एक जो है उनका दोस्त ही जो है बताया जा रहा है। एक जिसने पनाह दी थी करनाल में उसको जो है सिवा में उसको पकड़ा गया है। तो आपको बता दें 5 आरोपियों को सीआई वन ने जो है गिरफ्तार किया गया है। 3.5 लाख से ज़्यादा रुपये की लूट हुई थी और करनाल में भी लूटपाट हुई थी, उसके जो आरोपी हैं वो पकड़े गए हैं। उन्हें जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड लिया जाएगा। रिमांड के दौरान और कितने आरोपी इनके साथ हो सकते हैं अभी उनकी जो है तलाश वो भी की जाएगी। तो फिलहाल करेटा गाड़ी जो है बरामद हुई है और गैस कटर जो है बरामद किया गया है अभी तक, और 5 आरोपियों को सीआईएवन ने गिरफ्तार किया है। आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं, ये सीआईएवन का थाना है और यहीं पर जो है उन आरोपियों को लाया गया है। और उन आरोपियों की तस्वीरें आपको दिखा दें, 2 सगे भाई हैं और 3 जो है अन्य हैं। 5 लोगों को जो है सीआईए गिरफ्तार करके जो है लेकर आई है। आप लाइव तस्वीरों को साथ के साथ शेयर जरूर करें। और इस मामले में करेटा गाड़ी जो है बरामद कर ली गई है और गैस कटर जो है आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में, गैस कटर जो है और वो भी लिया गया है और साथ में सिलेंडर जो है वो भी जो यूज़ किया गया था। ये गाड़ी जो है उस वारदात में प्रयोग की गई थी, इस गाड़ी को जो है पुलिस ने वो भी बरामद कर लिया है और नहर से मुनक नहर से जो है इन लोगों को पकड़ा गया है। आप तस्वीरें साथ के साथ शेयर जरूर करो। आपको बता दें कि CIA 1 ने इस वारदात का खुलासा किया है। पानीपत सेक्टर 29 के एरिए में 9/3/24 की रात्रि को एक ATM की वारदात हुई थी, जिसमें 3,69,000 रुपये की अमाउंट जो कटर से ATM से ले गए थे, जिसका जांच का जुम्मा माननीय पुलिस अधीक्षक श्री अजीत सिंह शेखावत ने CIA 1 की टीम को सौंपा था। जो इसमें CIA 1 की टीम ने जी तोड़ मेहनत करते हुए 3 लोगों को पहले अरेस्ट किया, जिसमें 2 ब्रदर हैं मोहित और आपका धीरज कुमार, उसके अलावा इनका एक साथी है रवि, इनकी निशानदेही पे फिर सिवा और एक मेवात का लड़का तारिक, इसको गिरफ्तार किया है। इनको अभी पुलिस रिमांड लेंगे। अभी तक इन पर प्रारंभिक पूछताछ में वारदात में प्रयोग की गई गाड़ी, कटर, सिलेंडर आदि बरामद किए जा चुके हैं। इन्होंने अभी प्रारंभिक पूछताछ कर 2 वारदातों को एडमिट कर लिया, जिसमें एक वारदात पानीपत की है, एक जिला करनाल की वारदात है। अन्य साथी इनके गिरफ्तारी बकाया है, रिमांड लेके दूसरी जो वारदातें खुलेंगी उनको भी खुलासा किया जाएगा और जिसमें सामान कैश वगैरह लूटा है उसको भी बरामद किया जाएगा। कितना कैश था सर? 3,69,000 रुपये कैश है। सर कब और कैसे और कहाँ से पकड़े? ये कल जो है 11 बजे मुनक नहर से 3 आदमियों को गिरफ्तार किया गया, बाकी जो उसके साथी हैं उनको उसकी निशानदेही पे उसके घर से और एक को मेवात से इसको पलवल मेवात से इसको गिरफ्तार किया गया। कितने लोग हैं सर? इनके 2 साथी अभी फरार हैं, 4 लोग अभी गिरफ्तार हो चुके हैं, 5 लोग टोटल। ये 2 वारदात थे जिसमें जो 3 2 भाई और एक 3 तीसरा इनके गांव का और चौथा मेवात का, 4 में यूज है और 5वां जो है इनका जो पना देने वाला है सिवा जो करना। सर पहले भी हिस्ट्री इनकी पहले भी आपराधिक हिस्ट्री है, उसकी भी जांच करी जा रही है। इनमें पहले भी 3-4 लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं और भी हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जांच में जो चीज़ सामने आएगा तो उसका खुलासा करेंगे। मास्टरमाइंड्स में कौन है सर? मास्टरमाइंड में जैसे ये लड़का है तारिक और जय मोहित, ये दोनों पहले क्लासमेट थे, आपस में इकट्ठे पढ़ते थे जज्जर में कहीं, तो इन्होंने जैसे आपस में प्लानिंग करके ये करनाल में किराए का कमरा ले गए, इसके घर रहते थे, जिसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया। इसी बात 3,69,000 रुपये कैश इस वारदात में और लगभग 6 लाख रुपए करनाल की वारदात में कैश। कैश की रिकवरी हुई है तो सर? नहीं, अभी रिमांड लेंगे, रिमांड के दौरान जो भी रिकवरी होगी डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। कोई एक लूट हुई थी सर बुहाना रोड पे भी, ATM जो है उस पे स्प्रे कैमरे का ऊपर मार करके वहां से भी कैश निकाला गया। देखो अभी इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी है, पूछताछ में अगर कोई एडमिट करेंगे कोई और वारदात खुलेगी उसका भी खुलासा जल्दी कर दिया जाएगा। कोई गैंग का नाम वगैरह भी था सर? ये तो जैसे मेवात वगैरह में इधर स्पेसिफिक ATM के गैंग्स चलते हैं, ये लोग तो काफ़ी फेमस हैं इस काम में, हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग पूरे हिंदुस्तान में ही वारदात करते रहते हैं ATM के। काफ़ी रहने वाले हैं इसमें, कुछ लोग करनाल के रहने वाले हैं, कुछ साथी इनके मेवात के हैं। इसमें मिक्स है, कुछ पढ़े लिखे हैं कुछ लेबर टाइप का अलग अलग है, जैसे ये जो मोहित और ये इकट्ठे जज्जर में डिप्लोमा में इकट्ठे थे तो ये पढ़े लिखे लोग हो गए।
अभी प्रीवियस स्ट्रेन की जांच कर रहे हैं, जैसे ही कोई डिस्क्लोज होगी तो बता दीजिए। कहाँ के रहने वाले दोनों भाई? करनाल। सर डिप्लोमा किस चीज़ का था इनके पास? सिविल डिप्लोमा जो है पॉलिटेक्निक का, ये कर रहे थे। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें और साथ ही यूट्यूब को सब्सक्राइब और बेल आइकन बजाना ना भूलें। वैश्व पानी विद प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।